अस्सलाम वालेकुम। आज हम टाई एंड डाई सूट की ड्राफ्टिंग और कटिंग करेंगे, कैसे करते हैं। इस पे है वर्क एम्ब्रॉयडरी करके नेक, और इस नेक का ये सेंटर रखना पड़ता है ऐसे। इस और इस काम को आईमन दोनों जैसा सेंटर कारण गार्ड। ये है फ्रंट वाला साइड। अब हमें इस पे पहले मेजरमेंट करना है। मेजरमेंट क्या है इस सूट का, इसकी लेंथ है 44, बैक है इसका 15, चेस्ट है इसका 18 इंचेस, वेस्ट है इसका 16, हिप है इसका 19 इंचेस, बॉर्डर है इसका 20 इंचेस, और हमें इसका 21, पैंट जो है वो 38 इंचेस। अब हमें पहले लेंथ गोने चेस्ट आसान लेंथ में पहले लेंथ लेनी है। गोने चेस्ट लेंथ लेनी है, लेंथ है इसकी 44 प्लस 1 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा हेमिंग के लिए। जो ये वाला कपड़ा है, जो यहां से ये बचा हुआ, पहले ये कट करना है हमें। सेंटर नेक की एम्ब्रॉयडरी जो है वहां तक हमें ये पहले कट करना है। ये छह गुना कायम हिस्सा काटना है। अब हमने पहले लहंगे डाली है, लहंगे थे यहाँ तक 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है हेमिंग के लिए। ये है हमारा बैक साइड, ये जो है ये है बैक साइड, ये शायद बैक पीस, ये है फ्रंट वाला पीस। तो या कौन या जो नेक कौन चीज थी या क्या था, सेंटर कारण बराबर इसका सेंटर रखना होता है एम्ब्रॉयडरी का। बैक का मेजरमेंट है 15 इंचेस प्लस 1 इंच, 16 इंचेस, 1 इंचेस हमें नीचे की तरफ जाना है और 3 इंच बोन वासन नेक के साथ इसको जीरो करना है कॉर्नर के साथ। अब यहां से यहां तक हमें जाना है 7 इंच। चेस्ट है इसका 18 इंचेस, 18 इंचेस चेस्ट से लेकर हिप तक हमें जाना है 6 इंचेस। वेस्ट है इसका 16 इंचेस, 16 इंचेस का हाफ होता है वो होता है 8 इंचेस। हिप है इसका 19 इंचेस, 19 इंचेस का हाफ होता है 9.5 इंचेस। यहाँ पे लिख के होता है, देखो जैसे कि अगर हमें 18 डालना है 18 का हाफ बन जाता है 9, अगर हम 19 डालना है हिप 19 का हाफ बन जाता है 9.5 इंचेस, अगर हम 20 डालेंगे 20 का हाफ बन जाता है 10। यहाँ पे लिख के है, बॉर्डर है इसका 20 इंचेस, 20 इंचेस का बन गया वो बन जाता है 10 इंचेस, मतलब सुशोभना 10 इंचेस वहन हो। इस और इस पॉइंट को हमें ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं। इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करना है। अब हमें आर्म बनाना है। यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ जाना है 1 इंच, नेक की तरफ आना है 1 इंच, योर कुंज खसन और इंच, योर कुंज खसन अंदर कुन और इंच। ये इस पॉइंट के साथ ऐसे ज्वाइन करना है, फिर यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री एंगल बनाना है। अब नेक का मेजरमेंट करना है। लेंथ से हमें जाना है 5 इंच, 5.5 इंच, विड्थ से जाना है 3 इंच, मगर यहाँ पे इस चीज का ख्याल रखना है जो ये एम्ब्रॉयडरी करके, इसी एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से हमें इसकी स्टिचिंग करनी है ऐसे एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से। पीछे हमें जाना है बैक के लिए 2.5 इंच, नीचे की तरफ 2.5 इंच ऐसे। अब हमें इसकी कटिंग करनी है, कर वैसा कटिंग। ये जो हमने यहाँ पे जो एम्ब्रॉयडरी करके, इसी एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से इसका नेक कट करना है फ्रंट पीस।
यहाँ से चार पीस कट करना है, यहाँ से भी ढाई इंच तक, यहाँ से ढाई इंच तक कट करना है चार पीस। या पत्ती से चौनवे पीस करें कट, फिर दो पीस फ्रंट का ऐसे उठाना है। फिर इसी मार्क जो हमने यहाँ से मार्क किया है, इसी मार्क के हिसाब से हमें कटिंग करनी है। यहाँ से दो इंच रखना है लूजिंग के लिए। यहाँ से एक इंच ऐसे जाना है, फिर इसी के इस हिसाब से ऐसे कटिंग करना है, इसी आर्क के हिसाब से। यहाँ से चारों पीसेस कट कर दें। अब हमें आर्म के लिए मेजरमेंट करना है। यहाँ से जो ये स्टिचिंग का मार्क है, इस हिसाब से ऐसे ये मेरे हिसाब से यार मेजरमेंट कर रहा हूँ। ये है 9 इंच, ये हमारा आर्म जो है, या ये आर्म जो है, यहाँ पे आर्म आता है 9 इंच, हमें डालना है 8.5 इंच, इसी वहाँ 9 इंच राउंड से 8.5 इंच। अब हमें आर्म की ड्राफ्टिंग और कटिंग करनी है। जो ये काम है ये हमें आर्म पे लाना है, इस काम और इस काम को ऐसे सेंटर रखना है आर्म के लिए, ऐसे रखना है। अब ऐसे आर्म की लेंथ है 21 इंचेस, 2 इंचेस हेमिंग के लिए, यहां से लेंथ है इसकी 21 इंचेस प्लस 1 इंच स्टिचिंग के लिए। अब यहाँ से ऐसे कट करना है। जब हम शर्ट का ये वाला ऐसे नापते हैं आर्म का, ये है 9 इंच, इसी हिसाब से हमें यहाँ से लेंथ करनी है आर्म के लिए। 9 इंच हमें डालना है 8.5 इंच। यहाँ से कपड़ा है ही नहीं, अब यहाँ से हमें छोटा सा पीस डालना है, नीचे की तरफ 2 पीस डालने हैं, इसको ऐसे रखना है, ये चाहे थोड़ा नेबर कुल काटो। अब हमें 8.5 इंच पे ऐसे मार्क करना है, यहाँ से हमें 5 इंच पे ऐसे मार्क करना है, इस और इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करना है। यहाँ से हमें 3 इंचेस, यहाँ से हमें ढाई इंचेस, इसको ऐसे अर्क करना है ऐसे। अब जो यहाँ से कपड़ा है, इसके नीचे हमें ऐसे पीस डालना है 2 पीस, ये हमें पीसेस 2 ये इस आर्म के साथ ऐसे रखना है नीचे की साइड से। अब इसको ऐसे रखना है, अब इसकी कटिंग इन 4 पीसों को कट करना है। लूजिंग के लिए रखना है 2 इंच। ये जो पीस 2 है ये नीचे की तरफ, इसके लिए ऐसे आर्क रखना है, ऐसे रखना है मार्क कर। अब हमें पैंट बनाना है। यहाँ पे हमने पैंट के लिए, ये कपड़ा जो है ये कम है पैंट के लिए। अब हम पैंट को एक साइड यहाँ से निकालेंगे, एक साइड वहां से निकाले, आप देखिए मैं कैसे निकालूंगी। लेंथ है इस पैंट की पहले 2 इंचेस रखना है टर्न के लिए, लेंथ है इसकी 38 इंचेस, 2 इंचेस एक्स्ट्रा हेमिंग के लिए। यहां से रखना है ये 12 इंचेस, आसन की तरफ जाना है इसको 12 इंचेस, यहाँ से जाना है 12 इंचेस, 3 इंचेस एक्स्ट्रा, 3 इंचेस भी निकाल सकते हैं, 3 इंच तक हेको करें, 4 इंच तक हेको करें। बॉटम है इसका 8 इंचेस, 8 इंच। यहाँ से हमें
यहाँ तक ऐसे स्केल लेने हैं 16 इंचेस ऊपर की तरह ऐसे। यहाँ पे है इसका मेजरमेंट 10 इंचेस इस, और इस पॉइंट को ऐसे मिलाना है, यहाँ से ऐसे इसको करना है और यहाँ से ऐसे। अब इसकी कटिंग, यहाँ से हमने एक पीस निकालना है, यहाँ से हमें एक पीस निकालना है। आप देखिए मैं कैसे निकालूंगी क्योंकि इसका कपड़ा बहुत कम है। ये है हमारा एक पीस, यहां से निकला है ये दो पीस। हाँ, अब यहां से निकालना है और दो पीस दूसरे लेग के लिए। ये हमने ऐसे रखा है। अब ये जो हमने पहला वाला पीस काट किया है इसको ऐसे रखना है, दो पीसेस हमने काट किए हैं। अब ये दो पीसेस, इन दो पीसेस के ऊपर रखना है ऐसे। अब इसी पीसेस के हिसाब से नीचे वाले पीसेस को कट करना है ऐसे। ये दो पीसेस अलग अलग है, इन पे स्टिचिंग करना है, इन दो पीसेस पे भी स्टिचिंग करना है। ये है पैंट प्लाजा की ड्राफ्टिंग, यह है फ्रॉक की ड्राफ्टिंग और कटिंग, यह है इसका आर्म रोल। पैंट है सूट की, हमें ड्राफ्टिंग और कटिंग कंप्लीट करनी है।